फ्री फायर भारत। जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम ये वर्ड काफी ज्यादा यूज हो रहा है और सब लोग बता रहे हैं कि फ्री फायर इंडिया अब नहीं आएगा, उसका नाम को चेंज कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे फ्री फायर भारत आएगा। तो इसके पीछे अगर रीजन पूछो ना तो बंदे बता रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने नेम चेंज कर दिया है, इसीलिए लॉन्च नहीं किया। वाह भाई वाह भाई, मोदी जी की कब एंट्री हो गई गेम के अंदर में। और ये बात मोदी जी तक नहीं रुकी है बल्कि अपने BGMI तक भी आ चुकी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये है BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, बट यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है बैटल ग्राउंड मोबाइल भारत। तो इसलिए सब लोग बता रहे हैं कि फ्री फायर इंडिया नहीं आएगा, फ्री फायर भारत आएगा। पर आप अगर बोल रहे हो कि नहीं 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 साहिल भाई आपने गलत बोला, हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो अपना इंडिया नाम है ये अंग्रेजों ने दिया था और हमारे जो पूर्वज हैं इस वतन का नाम भारत दिए थे। तो इसलिए मोदी जी मना करें फ्री फायर इंडिया नहीं रखा जाएगा, फ्री फायर भारत रखा जाएगा। तो आपको अगर ऐसा न्यूज मिला है ना, तो मेरे को भी एक न्यूज मिला है जो कि मोदी जी ने बोला है जैसे कि इंडिया को भारत में ट्रांसलेट किया गया है वैसे ही फ्री फायर को ट्रांसलेट किया जाएगा। एग्जांपल के रूप में फ्री मतलब मुक्त, फायर मतलब आग और इंडिया मतलब भारत, तो मिलकर हुआ मुक्त आग भारत। तो भाई ये क्या हो रहा है साहब, यार फ्री फायर का नाम चेंज हो गया, मुक्त आग भारत हो गया। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और गेम की नाम की बात करें ना तो भाई भारत और इंडिया सेम होता है भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। बट पता नहीं ये न्यूज कहाँ से वायरल हुई, सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने इस गेम को बंद किया है क्योंकि फ्री फायर इंडिया था तो फ्री फायर भारत किया जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, रीजन तो ये है कि प्री रजिस्टर बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब क्या देखो, जब BGMI आया था तो उसका प्री रजिस्टर हुआ था 20 मिलियन ऐसा कुछ, बट अभी जो फ्री फायर इंडिया के अंदर में प्री रजिस्टर हुआ है ना तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब क्या देखो, 43 मिलियन प्लस से भी ज्यादा प्री रजिस्टर हुआ है, तो भाई आप लोग समझ सकते हो। और ये प्री रजिस्टर ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए करना फ्री फायर ने लॉन्च का डेट को पोस्टपोन कर दिया है और हम लोग को और कोई टाइम में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यार देखो 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के अंदर हम लोग को फ्री फायर इंडिया देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग को कोई भी ग्लिच बग वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो भाई चिल मारो यार, हमने इतना दिन वेट किया है तो और कुछ दिन वेट कर लो, फिर उसके बाद मजे ही मजे हैं। तो ठीक है यार, यही सब आपका डाउट जो कि मैंने आप लोग क्लियर कर दिया। और वैसे आपको क्या लगता है कि फ्री फायर इंडिया आएगा या फिर फ्री फायर भारत आएगा, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। तो चलो ठीक है, आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर देना, लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके बता देना। बाकी मैं तो आप लोग सो जल्द, तब तक ले जय हिंद जय भारत।